हमारे चैनल के एक और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में आज की वाली वीडियो में आपको टॉप 5 नेकबैंड्स बताऊंगा, ब्लूटूथ नेकबैंड्स जो कि आप सिर्फ 1500 के नीचे खरीद सकते हो। और भाई आपको उनकी साउंड क्वालिटी वगैरह भी बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। और बैटरी लाइफ के तुम्हें मैं क्या ही बात करूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और हम विदाउट टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आपको भी बता और मुझे भी पता कि हमारे तो खून टेक्नोलॉजी दौड़ती है। सो गाइस, अगर हम बात करें फिफ्थ रैंक के नेकबैंड की, तो भाई वो हमें देखने के लिए मिल जाता है शाओमी की तरफ से, जिसका नाम है रेडमी सोनिक बेस्ट। भाई इसका प्राइस हमें देखने के लिए मिल जाता है 1300 रुपए। लेकिन भाई इसको मैंने फिफ्थ रैंक पर इसलिए रखा है क्योंकि भाई एक तो इसमें हमें ड्राइवर साइज बहुत ही ज्यादा कम देखने के लिए मिल जाता है जो कि 9.2 mm, और भाई इसमें बैटरी लाइफ ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है जो कि 12 घंटे की बैटरी लाइफ। और इसमें हमें वाटर रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग वो है IPX4। भाई इसको मैंने फिफ्थ रैंक पर इसलिए रखा था भाई क्योंकि एक तो इसके ड्राइवर साइज कम है और बैटरी लाइफ भी इसकी कुछ खास ज्यादा नहीं है, भाई ठीक ठाक है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। लेकिन इसी प्राइस में हमें भाई इससे भी ज्यादा अच्छे नेकबैंड देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे फोर्थ नंबर पर है इन्फिनिटी की तरफ से आने वाले ग्लाइड 120। भाई इनका ड्राइवर साइज सुन के ना आप चौंक जाओगे, इसका ड्राइवर साइज हमें देखने के लिए मिल जाता है 12 mm का और इसकी बैटरी लाइफ लेकिन थोड़ी सी कम है जो कि है भाई 7 घंटे की बैटरी लाइफ। 7 घंटे भाई 1350 रुपए की हमें देखने के लिए मिलते हैं अमेजोन पर। लेकिन भाई इस प्राइस के हिसाब से बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आपको भाई बैटरी लाइफ से कुछ नहीं लेना देना, आपको सिर्फ म्यूजिक इंजॉय करना है, तो भाई आप इसके ड्राइवर साइज को कंसीडर करते हो आप इसको ले सकते हो। और अगर आपको जिम वगैरह जाना है या जॉगिंग वगैरह करनी है, एक्सरसाइज वगैरह, तो ये IPX5 रेजिस्टेंट भी है, वाटर रेजिस्टेंट। अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर के नेकबैंड की, भाई वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं बोट की तरफ से। आपको पता ही होगा कि बोट अपनी क्वालिटी के लिए कितना ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसका नाम है बोट रॉकर्स 330। ये हमें सिर्फ 1300 रुपए देखने के लिए मिल जाते हैं और इसमें 10 mm के ड्राइवर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन भाई इसकी बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा है जो कि 30 आवर्स का बैटरी बैकअप। भाई सोचो, एक बार चार्ज किया और 30 आवर्स तक भाई भूल ही जो कि चार्ज भी करना था। और इसमें वाटर रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है IPX5। और इसको मैंने तीसरे नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि जो दूसरे नंबर पर ना भाई इसका भी बाप है बैटरी के मामले में। तो जो दूसरे नंबर पर जो हमारा नेकबैंड है उसका नाम है बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस। भाई इतने एक तो लंबे लंबे नाम रख देते हैं भाई, मैं तो याद करने में भी इतना टाइम लग गया। इसका प्राइस हमें देखने के लिए मिल जाता है 1400 रुपए, 10 mm के ड्राइवर्स हैं भाई, वैसी बेसिक वाले जो पहले वाले में थे। लेकिन इसमें जो बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाती है भाई वो है 40 आवर्स का बैटरी बैकअप। भाई सोचो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इन्होंने 40 आवर्स का मतलब बैटरी लाइफ इसमें डाल कैसे दी छोटी सी चीज में। और इसमें वाटर रेटिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाती है जो कि है IPX7। भाई IPX7 भी अच्छी खासी एक वाटर रेटिंग है, मतलब बारिश वगैरह में अगर बहुत देर पड़े रहेंगे फिर तो मैं कुछ भी कह सकता, लेकिन थोड़ी मोटी देर के लिए तो ये टिक ही जाएंगे। और इसका भाई बेस्ट बाय लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप वहां से जाकर खरीद सकते हो। देखो यार, जो फर्स्ट और ये वाले मतलब ईयरफोन जो फर्स्ट रैंक पर है और ये वाले, उनके बीच में ना मैं कुछ कह नहीं सकता कि कौन ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए ना तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो भाई 1500 के नीचे नीचे। लेकिन जो हमारे फर्स्ट रैंक पर जो आते हैं नेकबैंड भाई, वो आते हैं डीजो वायरलेस। भाई आपको पता होगा कि डीजो रियलमी का ही एक सब ब्रांड टाइप एक ऐसी कंपनी है। भाई उन्होंने भी एक अपने रिसेंटली नेकबैंड निकाला था जिसका प्राइस हमें देखने के लिए मिल जाता है 1300 रुपए, लेकिन इसमें हमें ड्राइवर साइज 11.2 mm का देखने के लिए मिल जाता है और भाई 17 आवर्स का बैटरी बैकअप है इसमें। और अगर हम वाटर रेजिस्टेंट की बात करें तो भाई वो इसमें IPX5 हमें वाटर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन एक इसका जो प्लस पॉइंट है भाई वो है, इसको हम रियलमी लिंक ऐप से इसको कस्टमर वगैरह कर सकते हैं। अगर इसके टच कंट्रोल्स वगैरह हमें पसंद नहीं आते तो भाई आप उसको चेंज भी कर सकते हो रियलमी लिंक ऐप से। तो भाई मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई नंबर 1 और नंबर 2 पे ना इन दोनों को भाई मैं किसी को भी नहीं रख सकता, क्योंकि भाई वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको बैटरी लाइफ ज्यादा चाहिए तो आप इसको बोट वाले को खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको रियलमी के ये वाले खरीदने हैं तो भाई आपकी रिक्वायरमेंट भी यही होगी, आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए क्योंकि इसमें हमें ड्राइवर साइज उससे बड़ा देखने के लिए मिल जाता है जो कि है 11.2 mm का। तो दोस्तों, होप करता हूँ आपको आज वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो इस पर लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना हमारे चैनल को। हम ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं बहुत ही ज्यादा जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।